सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आई होप कि आप बैकलॉग रिमूवल जो प्रोग्राम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, जो कि आपके हर जगह यूज होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग दो सेशंस उसके कर चुके हैं एंड वी आर नॉट टेकिंग बिग सेशन ऑन दिस, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े सेशन यहाँ पर लेंगे तो आपका जो इस समय चल रहा होगा टॉपिक जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं तो फिर आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेरी वेरी स्मॉल सेशंस एंड वी विल ट्राई कि टाइम पे आपका जो है ये कंप्लीट भी हो जाए। तो आज ये डे थ्री है बच्चों, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूले, मेजर फॉर्मूले ऑलरेडी हम लोगों ने पहले सेशन में डिस्कस कर लिए थे और सेशन टू में हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स भी बच्चों डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है उससे आगे बढ़ रहे हैं। और जो एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि हम लोग बच्चों यहाँ पर ऑफलाइन हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई बच्चों। दिस इज़ द एड्रेस इन रायबरेली एंड इफ़ यू आर लिविंग इन रायबरेली देन ऑसम, आप आ सकते हैं ना, हमारे साथ पढ़ सकते हैं बच्चों। और हम जो है बच्चों 8 AM से लेकर 8 PM तक सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो अगर आप चाहते हैं तो 12 आवर्स के लिए भी आ सकते हैं, पूरी तरीके से यहीं पर होमवर्क करें, यहीं जो है अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट है पूछिए हमसे, ठीक है। तो बच्चों जरूर से ज़रूर, और ये मेजर आप जो है बच्चों एक स्टेप ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं विच आर गोइंग टू हेल्प, और आपने जो भी फॉर्मूले सीखे हैं उनको अप्लाई करने में आपको मदद मिलेगी और कई कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि fx एक लिख रहे हैं हम लोग, साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 - cos²x। फिर हमारे पास देखिए cos x अपॉन रूट ऑफ 1 - sin²x, ठीक है। एंड देन वी हैव सिमिलरली tan x अपॉन रूट ऑफ sec²x - 1, और फिर हमारे पास है cot x अपॉन cosec²x - 1। तो ये हमें दिया गया है, ठीक है। और फिर ये भी लिखा है एज x वेरीज इन द ओवरऑल पॉसिबल डोमेन, इन द ओवरऑल पॉसिबल डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, द मॉड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। तो वेरी नाइस क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट एंड हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल दिस क्वेश्चन, लेट्स सी दैट गाइस। तो चलिए सबसे पहले ये आपको तो पता ही है कि 1 - cos²x जो होता है वो sin²x होता है। तो रूट ऑफ sin²x को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, वी राइट इट एज sin x अपॉन mod sin x, है ना। ये एक बेसिक सी बात है, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कभी भी x² का रूट आप लिखते हैं तो आपको mod x लिखना होता है, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये बेसिक है, बेसिक मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं बच्चों। तो ये इसको बाकी को आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ लाइक tan x अपॉन रूट ऑफ tan x, वेरी नाइस। एंड दिस इज cot x अपॉन, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ cot x। अच्छा, यहाँ पे अपने को k के बारे में भी बता दूँ कि k इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और उस मिनिमम वैल्यू का आपको मॉड निकालना है। और आप x पूरा डोमेन ले सकते हैं, जो भी पॉसिबल डोमेन है ना, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज डोमेन्स, जो भी है डोमेन्स वो आप ले सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई sin x भी पॉजिटिव होता है, cos x भी पॉजिटिव होता है, tan x भी पॉजिटिव होता है, और cot x भी पॉजिटिव होता है। तो जब अंदर की चीज़ें सब पॉजिटिव तो मॉड हट जाएगा, तो ये पहले ब्रैकेट से sin x अपॉन sin x हो जाएगा, cos x अपॉन cos x हो जाएगा, tan x अपॉन tan x हो जाएगा, cot x अपॉन cot x हो जाएगा। 4 आ रहा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एफ x की वैल्यू 4 आ रही है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे, तब मज़ा आएगी बच्चों। जैसे कि sin x तो पॉजिटिव है तो वो 1 ही देगा, लेकिन cos x इज़ लाइक निगेटिव, सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू -1, बिकॉज जो मॉड cos x होगा दैट विल ओपन एज -cos x, बिकॉज cos x इज़ नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसलिए माइनस लगाएंगे हम लोग उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, है ना। सो दिस इज लाइक tan x, ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो लाइक माइनस, है ना, वो भी माइनस ही होगा।
और क्वाड भी बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए दैट विल बी ऑल्सो माइनस। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही माइनस टू की। एंड नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वाड्रेंट गाइस। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। तो साइन एक्स वहाँ पे निगेटिव होता है इसलिए माइनस वन, कॉस एक्स भी निगेटिव होता है इसलिए माइनस वन, लेकिन टैन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव होते हैं जिस कारण से हम जीरो पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर। एंड देन वी विल मूव टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स निगेटिव, कॉस एक्स पॉजिटिव, टैन एक्स भी निगेटिव एंड कॉट एक्स भी निगेटिव। तो इस तरीके से आपके पास एक बार फिर से माइनस टू आया। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू के आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस टू, लेकिन यहाँ पर मॉड के निकालने की बात हुई है तो मॉड के की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ माइनस टू विच विल गिव यू आंसर एज टू। सो हमारा आंसर बच्चों मॉड के का टू आ रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? तो फिर आप इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पर जो कि आपको ध्यान रखना है कई क्वेश्चंस में, इट कैन बी हेल्पफुल, और फिर इसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है अगर आपके पास आधे से कम हो एंगल, आधे से कम एंगल आए यानी कि हाफ से लेस है ना, यानी कि हमारा न्यूमरेटर अगर लेस देन हाफ आता है, इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि अगर आपका न्यूमरेटर इज कमिंग हाफ ऑफ व्हाट इज गिवन द डिनोमिनेटर, देन कन्वर्ट यूजिंग फॉर्मूला, पाई बाय टू माइनस थीटा को यूज करेंगे। लेकिन अगर आधे से ज़्यादा, अब ये क्या है ये आप तो जब जानोगे है ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी जानोगे ना आप। हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर एंड इन दैट केस बेसिकली वी देन कन्वर्ट दैट एंगल, यूजिंग फॉर्मूला पाई माइनस थीटा। तो ये हम लोग करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट है आधे से कम एंड आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, सो लेट्स यूज दिस कॉन्सेप्ट इन फ्यू क्वेश्चंस। So I think we did only one question till now. Yes, we did only one question, guys. तो चलिए question number टू कर लेते हैं हम लोग। Interesting question है बच्चों, question number टू मजा आएगा आपको। Question आसान है, ऐसा नहीं है कि हमें value पता करनी है इस expression की। 1 plus cos pi by 6, दूसरे bracket में हमारे पास है 1 plus cos pi by 3, और तीसरे bracket में हमारे पास है 1 plus cos 2 pi by 3, और चौथे ब्रैकेट में हमारे पास है 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 6। ठीक है, सो ऑसम, इसकी वैल्यू निकालनी है तो फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू सी हियर कि क्या ये आधे से कम है। तो ये देखिए, ये वैल्यू तो 3 है और ये 2 है ना, पाई को हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो 3 और 2 के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये आधे से ज़्यादा है, बिकॉज 3 का आधा इज 1.5, और इसको देखें तो ये भी भाई आधे से ज़्यादा है। तो जो आधे से ज़्यादा है उनको कन्वर्ट करना हमें पाई माइनस थीटा फॉर्मूला यूज़ करके। सो व्हाट हैपेंस कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो माइनस थीटा होता है। वी शुड नो दैट कि फॉर्मूला क्या अप्लाई होने वाला है, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा है ना, ये तो पता ही होगा आपको। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल के बारे में बात हो रही है और वहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है और पाई में नो चेंज होता है, ये सब बातें हम लोगों ने पहले की हैं। तो अब देखिए कि शॉर्टकट क्या बोलता है कि आप 3 से 2 को डायरेक्ट घटाएं, ठीक है, 3 से 2 को डायरेक्ट घटाएं तो 1 आएगा, तो बस लिख लीजिए। और माइनस आता है तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे 1 आया, 3 से 2 को जब सब्ट्रैक्ट किया, और जो पहले से है वो तो आप लिख ही दीजिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 6, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस पाई बाई 3। इंटरेस्टिंग, और भाई यहाँ पर भी आधे से ज़्यादा है, 3 से बड़ी वैल्यू 5 है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो यू विल बी गेटिंग 1 माइनस कॉस पाई बाई 6। अब देखिए, एक जगह तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 6 है और दूसरी जगह 1 माइनस कॉस पाई बाई 6 है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो विल बी गेटिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6,
और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब ये साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है एंड दिस इज ऑल्सो साइन स्क्वायर पाई बाई 3। अब साइन 30 की वैल्यू हाफ होती तो 1/4 हो जाएगा और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। सो दिस इज गिविंग अस 3/16 एंड दैट इज अवर आंसर। तो यहाँ से देखिए आपका 3/16 जो है बच्चों वो आंसर आ गया है। समझ में आया आधे से कम एंड आधे से ज़्यादा का कॉन्सेप्ट एंड हाउ ईजली आप कॉस पाई माइनस थीटा को शॉर्टकट के तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव गाइस, यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बच्चों। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आई पता नहीं कि आपकी कोचिंग वगैरह में आपको सिखाए जाते हैं कि नहीं, शॉर्टकट्स इस तरीके की चीज़ें बताई जाती कि नहीं बताई जाती हैं। वी आर टेकिंग ऑन द चिन कि बेस्ट से बेस्ट आपको बताया जाएगा, है ना। सो चलिए, सो टेन पाई बाई 11 प्लस टेन 2 पाई बाई 11 प्लस टेन 4 पाई बाई 11 प्लस टेन 7 पाई बाई 11 प्लस टेन 9 पाई बाई 11 प्लस टेन 10 पाई बाई 11। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि हाफ से ज़्यादा वाले एंगल्स हैं हमारे पास। 11 का 5.5 होता है ना, 11 का 9 इज़ लाइक मोर। और टेन पाई माइनस थीटा के बारे में मैं यहाँ पर सोचूंगा बच्चों कि ये भी नेगेटिव होता है। वेरी नाइस, सो वी नो दैट इट इज़ माइनस टेन थीटा। तो ये पहले के तीन मैं ऐसे लिख लूँगा, टेन पाई बाई 11 टेन 2 पाई बाई 11 वेरी नाइस एंड टेन 4 पाई बाई 11। ठीक है, एक बात बच्चों हमेशा जानना कि आई एम द मोस्ट समवन लाइक वो जो बच्चों को काफ़ी केयर हम लोग करते हैं बच्चों, तो अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं बच्चों तो इस बात का ध्यान रखिए कि वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू वेरी वेल, है ना। तो आप ज़रूर से ज़रूर बच्चों डेली लाइव तो नहीं मैं आऊँगा, ठीक है, बट आपको एक काम करना है कि आप कमेंट करें। सो वी विल नो, कई बच्चे कहते हैं कि कई दिन बाद कि भाई बैकलॉग वाला तो नहीं आया, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन पसंद कर रहा है लेक्चर्स को, कौन नहीं पसंद कर रहा है। सो बेटर राइट गाइस, है ना। तो 11 में से 7 जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया सो वी गॉट 4। सो दिस इज़ लाइक 10 4 पाई बाई 11, 11 में से 9 घटाइए तो 2 आया। देखिए कितनी जल्दी आपको हम सिखा रहे हैं चेंज करना इनको। सो आप लाइक देखते ही देखते बता सकते कि इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, एंड दिस इज़ लाइक कमिंग आउट टू बी 0। तो ये देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, अब कितने आसानी के साथ हमने कर डाला बच्चों इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, सबकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। एंड बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे शॉर्टकट्स अप्लाई करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में 7π/16। सो ये सारे कॉस स्क्वायर है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों इसको। इतना तो मैं 2-4 टर्म्स होते हैं तो 2 टर्म्स मैं देखिए हर बार वही काम कर रहा हूँ कि उनको मैं अलग कर ले रहा हूँ। एंड देन व्हाट हैपेंस कि अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 16 का आधा 8 होता है और ये 5 है, यानी कि ये आधे से कम है, और आधे से कम में पाई बाई 2 माइनस थीटा फॉर्मूला लगाते हैं उसमें हमेशा पॉजिटिव आता है ना, और निगेटिव आता नहीं है उसमें किसी के लिए, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे 16 है तो जब भी आपको ऐसे चेंज करना हो, क्योंकि हम तो ट्रिक भी बता रहे हैं ना आपको, तो 16 का आधा 8 करें पहले, जो भी डिनोमिनेटर लिखे उसका हाफ कर लें तो 8 आया। देखिए 8 आया, तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 3, और कॉस का तो साइन होगा ना, कॉस पाई बाई 2 माइनस, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में लिख सकते हो बच्चों 3π/16। 8 में से 7 यानी कि 1 आया है और ये साइन स्क्वायर पाई बाई 16, भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 एंड हियर ऑल्सो द एंगल इज सेम। सो एक्चुअली वी आर यूजिंग द फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हियर। सो बस मजे की बात हो चुकी है बच्चों, अब क्या मजे ही मजे हैं आपके तो। सो बेसिकली 1+1 वी आर गिविंग योर आंसर एज 2। सो इंटरेस्टिंग,
और इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइस, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों इसी के साथ और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, एंड लेट्स सी दैट कि कैसे होगा वो क्वेश्चन। साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 एंड देन यू हैव साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9। सी, अब पहले तो दो जगह 18 और दो जगह 9 है, ये अच्छा नहीं लगता दोस्तों, है ये बहुत ही लाइक अच्छी बात नहीं है कि सब 18 बनाइए आप, तो कुछ अच्छा लगेगा जीवन में ना। तो ये भी साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 18 कर देंगे और ये तो है ही है साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18, वेरी नाइस। एंड गाइस दिस इज लाइक 8 पाई, साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 18, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा लग रहा है। तो अब आप देखिए ऐसा करने के बाद हमारे पास ये दो आए भाई लोग, 18 का आधा 9 होता है, इससे छोटा है, तो भाई छोटा है तो मोटा है, अब काम करेंगे यहाँ पे इजली। 18 जो है इज लाइक 9 हो गया और 9 में से 7 घटाए तो कितना है 2 पाई, सो दिस इज बिकमिंग कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18 गाइज, वेरी नाइस। एंड इसको भी हाफ किया हम लोगों ने तो ये क्या बन गया, यू कैन ईजली सी दिस इज पाई बाई 18 एंड गाइज ये इसके साथ और ये इसके साथ और साथ ही साथ में 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सो वी गॉट दिस आंसर एज 2 अगेन। सो आई होप कि यहाँ पर आप कैसे चेंज करते हैं हम लोग जो है एक एंगल को दूसरे एंगल में और कहाँ चेंज करते कौन से एंगल में, इसका भी हम लोगों ने आपको टेक्निक बता दी बच्चों, ठीक है। सो ऑसम, सो जरूर से जरूर बच्चों डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना, अगर आप सच में आसपास रहते हैं तो ज़रूर से हमें ज्वाइन करिए, ठीक है, पढ़िए बच्चों जिससे कि मज़ा आएगा। सो इफ़ sec x इज इक्वल टू a प्लस 1/4 है ऐसा गिवेन हमारे क्वेश्चन में बच्चों, एंड देन वॉट वी नीड टू डू इज देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ गाइज sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x का वैल्यू हमको चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, sec x प्लस tan x का वैल्यू चाहिए, ठीक है, दैट इज वॉट वी वॉन्ट। अब ए ऑप्शन है हमारे पास 2a, बी ऑप्शन है 4a, सी ऑप्शन है a बाई 2 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 5a/4। अब देखिए एक तो जो मैं सोच रहा हूँ राइट नाउ आई डोंट नो कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन sec x प्लस tan x को देख के जो मेरे मन में चीज़ आती है तो मैं उसको रोकना नहीं चाहूँगा, उस बात को उसको करके ही रहूँगा, चूँकि sec x प्लस tan x अगर t है बच्चों तो sec x माइनस tan x जो होता है वो 1/t होता है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, सो बेसिकली व्हाट आई विल हैव इज कि t प्लस 1/t इज बेसिकली 2 sec x, भाई आप ऐड कर लो देखो 2 sec x आ रहा है, सो दिस इज लाइक ट्वाइस ऑफ sec x and that twice of sec x will be a plus 1/4a, तो क्या हम यहाँ से t निकाल सकते, it's a quadratic guys, so can we figure it out। अब बहुत आसान आई थिंक यहाँ से देख के मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं 2 को अगर भेजूँ अंदर तो ये देखिए t की वैल्यू साफ साफ चमकदार तरीके से बच्चों 2a आ रही है और हमने क्रैक कर लिया बच्चों इस क्वेश्चन को सो ईजली, है ना। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया ही था कि sec x प्लस tan x अगर t है तो sec x माइनस tan x इज 1/t, एंड प्लीज़ नो दैट कि ऐसा नहीं है कि t का केवल यही सोल्यूशन है, बिकॉज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक अपने को बनाना चाहिए या फिर दो रूट्स निकालने चाहिए, क्योंकि अपने को आंसर दिख गया है बच्चों एंड इट इज़ जस्ट सिंगल करेक्ट इसलिए चलेगा। अदरवाइज वन मोर थिंग यू कैन डू कि आप यहाँ पे वैल्यूज को रख रख के भी चेक कर सकते हैं, दैट्स इट। सो इंटरेस्टिंग, सो गॉट दिस ऑल्सो। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे वो है क्वेश्चन नंबर 7, एंड लेट मी ऑल्सो सर्च दैट क्वेश्चन की वो कौन सा क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो है इफ
साइन है ये बैकलॉग रिमूवल प्रोग्राम है बच्चों, और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज भी चल रही है बच्चों। इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वन, देन बच्चों मैं आपसे बोल सकता हूँ कि अगर आप भरोसा हम पे करते हैं और मेहनत करने को रेडी, क्योंकि बहुत बच्चे हमने देखा बच्चों मेहनत नहीं करते, जिस तरीके की कड़ी परिश्रम हमारी बूढ़ी हड्डियां कर सकती हैं उस तरीके की कड़ी परिश्रम बच्चे कर नहीं रहे बच्चों। नहीं तो आप टॉप 100 के अंदर भी आ सकते हैं। दैट्स माय कमिटमेंट कि इफ़ यू गो माय वे योर डेस्टिनी इज टॉप 100। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हमारे साथ बच्चों 50 बच्चे पढ़ते हैं तो हार्डली लास्ट में जिस तरीके की मेहनत हम लोग कराते हैं हार्डली लास्ट में बच्चों कुछ ही बच्चे बचते हैं। जितने भी पढ़ते हैं हमारे साथ आप उनसे पूछ लो कि इट्स वेरी वेरी हार्ड टू हमारे साथ रह पाना बच्चों, बिकॉज हम आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, और जो बच्चे नहीं आ सकते कंफर्ट जोन से बाहर तो हम उनको ज़बरदस्ती तो बच्चों नहीं पहुँचा देते, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये जब आपके अंदर जज्बा जुनून हो सच में कुछ कर गुजरने का तभी आप ज्वाइन करिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और फिर सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ हम लोगों ने कर लिया एंड वी हैव दिस माइनस टू। और ये आपने पढ़ा होगा बचपन में कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो वन होता है, वन, ठीक है। एंड दिस इज लाइक वन माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज माइनस टू। सो बेसिकली होता क्या है, 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस टू इज माइनस वन। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने क्या बोला है यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा है, तो ऑब्वियसली कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर, तो ये नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस वन इज बेसिकली 0। तो ये आंसर है ना, सो दिस इज लाइक आंसर तो 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में। और लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8। इफ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सुपर्ब क्वेश्चन आपके लिए लाया गया बच्चों। कॉसेक थीटा प्लस एम माइनस वन टाइम्स पाई बाई 4, ऐसा हम लोगों ने लिया है यहाँ पर, और इधर देखिए हमारे पास है कॉसेक थीटा प्लस एम पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4√2 एंड थीटा इज लाइक बिटवीन 0 से लेकर पाई बाई 2, then find the value of tan theta, then find the value of tan theta, then find the value of tan theta, ठीक है। तो let's do that। तो देखिए यहाँ पे cosec theta plus m minus 1 pi by 4 into cosec theta plus m pi by 4 is equal to 4√2 and theta is lying between 0 से pi by 2, then find the value of tan theta, that's it। तो कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, करना क्या है, तो पहले हम ये अंदर के टर्म को बच्चों लेते हैं यहाँ पर और हम इसे लिखेंगे कि 1 upon sin theta plus m माइनस वन टाइम्स पाई बाई 4 लिख रहे हैं, और इसको हम लोग लिख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4। अच्छा, अब अगर हम इससे बड़े वाले से इस छोटे वाले को घटाएं तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, m पाई बाई 4 से m पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा और साइन पाई बाई 4 बचेगा, तो हम इसे लिख रहे हैं थीटा प्लस m पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा प्लस m माइनस वन पाई बाई 4, है ना, विच इज़ नथिंग बट साइन पाई बाई 4,
हमने ऊपर नीचे साइन पाई बाई फोर से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये भी साइन पाई बाई फोर ही लिखा हुआ न्यूमरेटर में। आप देखिए थीटा थीटा कट जाएगा, एम पाई बाई फोर से एम पाई बाई फोर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस पाई बाई फोर, दैट इज साइन पाई बाई फोर। अब देखिए अब क्या होगा, द थिंग इज दैट कि ये जो साइन पाई बाई फोर है ये तो वन बाई रूट टू है, तो ये रूट टू मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ, और ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, जो कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है ना। सो दिस विल बिकम वॉट, साइन थीटा प्लस एम पाई बाई फोर, और फिर हमारे पास होगा कॉस थीटा प्लस एम माइनस वन टाइम्स पाई बाई फोर। ठीक है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, यानी कि थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर इंटू साइन थीटा प्लस एम पाई बाई फोर। ठीक है, ऐसे कर लिया हम लोगों ने। अब नीचे ये दोनों रहेंगे, साइन बाजू प्लस एम पाई बाई फोर, और दूसरा हमारे पास रहेगा बच्चों साइन थीटा प्लस यही वाला एम माइनस वन पाई बाई फोर जो ऊपर लिखा है, और इधर भी आप देखिएगा हमारे पास रहेगा साइन थीटा प्लस एम पाई बाई फोर इंटू साइन थीटा प्लस एम माइनस वन टाइम्स पाई बाई फोर। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो चीज़ है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये जो चीज़ है वो इसे कैंसिल हो जाएगी। एक सेकेंड लेट मी राइट, सेम ही चीज़ लिख दिया क्या मैंने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये है एम पाई बाई फोर, और ये से थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर। ठीक है, अब सही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद रूट टू टाइम्स कॉस की जगह हो गया कॉट थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर, इधर माइनस है, और यहाँ पे देखिए कि ये जो साइन है ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉट 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 थीटा प्लस एम पाई बाई फोर। ठीक है, अब इसके बाद है समेशन, और जहाँ पे m इज इक्वल टू वन टू सिक्स, तो एक बड़ा भाई छोटा भाई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं एक ये भी बात बताता हूँ बच्चों कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन टीचर पढ़ाता है ना, जैसे कि ये जो हाफ से छोटा हाफ से बड़ा ये जी बी सर सर पढ़ाते हैं। ठीक है, फ्रॉम मोशन कोटा। ठीक है, और ये जो मैंने चेंज किया ना अभी ये बिना उसके पाई बाई टू माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, ये मोहित त्यागी सर, लेकिन दोनों चीज़ दोनों लोग नहीं पढ़ाते। ठीक है, और अब मैं जो यहाँ लगाने जा रहा हूँ ये अंशुल सिंघल सर पढ़ाते, तो सोचिए बेस्ट ऑफ इंडिया यू आर गेटिंग, क्योंकि वो वाली बात नहीं बताते। तो यहाँ पर क्या बताते हैं अब ये देखिए, जो छोटी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू होती है, तो जब आप इस तरीके से एक मतलब m की जगह m माइनस वन की जगह अगर मैं m प्लस वन रख दूँ, या m की जैसे m माइनस वन यहाँ पे मैं m प्लस वन रख दूँ m की जगह m प्लस वन, तो ये टर्म अगर आ जाता है बच्चों, तो आप छोटी वैल्यू में छोटी वैल्यू रखें और बड़ी वैल्यू में बड़ी वैल्यू, मतलब क्या है इसका, छोटा भाई बड़ा भाई वो बोलते हैं, तो m को वन मैं यहाँ रख दूंगा तो ये हो जाएगा जीरो, सो यू विल बी गेटिंग कॉट थीटा, और यहाँ पर जब आप सिक्स रखेंगे तो दैट विल बिकम कॉट थीटा प्लस थ्री पाई बाई टू। अब कॉट टू सेवेंटी प्लस थीटा, यानी कि यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे कॉट जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी, और क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू है तो कॉट का चेंज हो जाएगा टैन में। सो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर ये निकालेंगे तो ये बहुत ही कम समय में हम ये जान पा रहे हैं कि इधर इट विल बी कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू फोर रूट टू, तो मेरे पीछे आ गया होगा ये सब ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट टू टाइम्स कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू फोर रूट टू। ठीक है, रूट टू कैंसिल हो गया, सो दिस इज लाइक टेन थीटा प्लस कॉट
cot theta is equal to 4. अब आपको tan theta की वैल्यू चाहिए थी, आई थिंक अब क्वाड्रेटिक है, अब आप कर लोगे 1 अपॉन tan theta करेंगे तो दिस इज़ लाइक 1 प्लस tan स्क्वायर theta और ये 4 tan theta है. अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है आपको, घराचार्य कर लीजिए, माइनस 4 tan theta प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो tan theta इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2, तो दिस इज नथिंग बट 4 प्लस माइनस 4 इंटू 3 यानी कि 12, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे जब हम लोग, तो नीचे तो चला जाएगा 4 बन के उधर 2, तो 2 प्लस माइनस ऑब्वियसली रूट 3, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. तो मज़ा आई होगी आई थिंक ये सीख के कि कितनी जल्दी ये हम लोगों ने VN मैथड यहाँ पर एक्चुअली अप्लाई किया है. सो क्वेश्चन वॉज वेरी गुड, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अच्छा नहीं था बच्चों, क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी गुड. वो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपसे पहले हो रहा था कि नहीं हो रहा था, है ना. तो नेक्स्ट है, इफ cos x प्लस sin x इज इक्वल टू रूट टू cos x देन प्रूव दैट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू रूट टू sin x. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली आप अगर इसको देखें तो बहुत आसानी के साथ बच्चों इसको कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लाइक वी वर हैविंग यही चीज़ें हैं और बस cos का sin बन गया है. तो इनका टेक्निक ध्यान रख ले बच्चों कि आपको स्क्वायरिंग से शुरुआत करनी क्वेश्चन. तो आई एम गोइंग टू स्क्वायर दिस गिवन थिंग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. सो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x एंड वी हैव दिस 2 cos स्क्वायर x. अब व्हाट हैपेंस कि ये तो cos स्क्वायर x बन जाएगा और ये cos स्क्वायर x बन ही गया है बेसिकली, एंड दिस इज लाइक माइनस sin स्क्वायर x और ये हमारा माइनस 2 sin x cos x. ठीक है, अब इसमें एक काम करेंगे हम लोग कि cos स्क्वायर x से माइनस इसको हम लोग एक काम करते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख देते हैं और ये माइनस जो हमारा गया है इसको हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x करते हैं. लेट्स सी कि क्या होता है, बिकॉज स्क्वायर बनना चाहिए कुछ तो 2 sin x cos x, बिकॉज दिस इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस, तो उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा, देखिए कि माइनस 1 और 1 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो रहा है और इधर प्लस cos स्क्वायर x एंड दिस इज माइनस sin स्क्वायर x. आई थिंक इट शुड बी प्लस 2 cos स्क्वायर x. साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. तो एक चीज़ यहाँ पर जो गड़बड़ हो रही है वो हम लोग देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ऐसे चेंज करने से भी नहीं बन रहा है. तो फिर क्या करें, क्योंकि ऐसा तो लाना है हमें, तो एक काम कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर एक्स को इधर मत भेजिए. ठीक है, इस साइन स्क्वायर एक्स को इधर ना भेजिए, तो भेजिए किसको, कॉस स्क्वायर नहीं भेजेंगे तो इधर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, है ना. अब हम एक और साइन स्क्वायर एक्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा बनेगा. सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अब अंडर रूट ले लें हम लोग तो वी विल गेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 साइन एक्स, तो यहाँ प्लस वाला है तो हैंस प्रूव्ड हो गया, और माइनस होता तो वो भी प्रूव हो जाता है, तो कोई भी एक आंसर ले सकते हैं हम लोग. प्लस माइनस दो वैल्यूज आ रही, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 2 साइन एक्स. वेरी नाइस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई थिंक. ठीक है, अच्छा लगा आपको. सो कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, आई थिंक
दसवें क्वेश्चन की तरफ है। आई सेड कि बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना, 10-15 ज़्यादा नहीं होता बच्चों। लेट मी सी कितने करने वाले हैं, बस एक दो और करने वाले हैं, सो एंड देन वी विल बी डन विद दैट। एक और क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही इसी आइडिया का क्वेश्चन है। इफ़ 3 sin x + 4 cos x आपको 5 दिया गया हो, देन कोई कहता है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin x - 3 cos x की वैल्यू आप लीजिए, यानी कि 3 वाली चीज़ cos हो गई है और 4 वाली चीज़ sin हो गई है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा मेरे इस कथन का, कि ये है यहाँ हिंट ये है यहाँ हिंट कि साइन वाली चीज़ कॉस बन गई है और कॉस वाली चीज साइन बन गई है। तो स्क्वायरिंग कहाँ जाएगा, स्क्वायरिंग तो रहेगा ही, है ना, बिकॉज वेन एवर यू हैव साइन एंड कॉस एंड हियर ऑल्सो यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द साइन एंड कॉस, तो स्क्वायरिंग कहाँ जाएगा। तो 9 sin² x दोस्तों, 12 cos, 16 cos² x, गाइस दिस इज नॉट थीटा, ग्रो अप, हमेशा थीटा थोड़ी नहीं आता है। तो -24 sin x cos x एंड दैट शुड बी पॉजिटिव गाइस, एंड दिस एंटायर थिंग इज कमिंग आउट टू बी 25। अब यहाँ पे मेरे को कॉस बनाना है, तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क यहाँ पर करने जा रहा हूँ, जो कि मैं पिछली बार भी कोशिश कर रहा था, वो काम नहीं गया। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा काम नहीं करेगा बच्चों, 1 - cos² x यहाँ पे तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है काम करना चाहिए। 16 - sin² x एंड वी हैव दिस गाइस 24 sin x cos x एंड वी हैव 25। तो कैन यू सी हियर कि 9 + 16 यस, एंड दिस इज -9 cos² x -16 sin² x एंड दिस इज 24 sin x cos x इज इक्वल टू 25 से 25 कैंसिल हो चुका है, एंड दिस इज लाइक 3 cos x - 4 sin x का होल स्क्वायर इज असमनेस में 0 हो गया है। तो भाई अगर इसका स्क्वायर 0 है तो 4 sin x - 3 cos x का भी होल स्क्वायर 0 हो चुका है मार्केट में। तो भाई जब स्क्वायर किसी का 0 है तो वो नंबर खुद भी क्या है, 0, बिकॉज रियल नंबर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज आंसर इंटरेस्टिंग, सो दिस आंसर हैज केम आउट टू बी 0। ओके, सो लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो एक और सेशन, मतलब सेशन तो बहुत सारे होंगे, अभी प्रॉब्लम सेशन में वी आर मूविंग एक स्टेप फर्दर, जहाँ पे हम लोग और भी फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं सीखेंगे। सो हियर वी हैव 3 tan θ tan φ = 1, देन समथिंग वी हैव टू प्रूव दैट इजी होने वाला बच्चों, ये cos was 2 cos θ + φ = cos θ - φ, ये प्रूव करना है। तो ये काफ़ी बचकाना टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक काम करिए आप, यहाँ लिखिए sin θ sin φ कर सकते हो भाई, और नीचे लिखिए cos θ cos φ, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/3। अब साइन में बेसिकली व्हाट हैपेंस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि साइन अगर मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं यहाँ पर, कंप सी एंड डी यू सी एंड डी, सो ऊपर मेरे को बन जाएगा cos θ - φ, ऊपर बनेगा, क्योंकि ऊपर बनेगा cos θ cos sin θ sin φ, मैं इधर लिख भी देता हूँ, नहीं कई बच्चे नहीं समझ सकते इसको, sin θ sin φ + cos θ cos φ, है ना, ये आया और ये 1/3/4 आया, और ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि हम इसको इससे ऐड कर रहे हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो में हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस, हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि cos theta डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -sin θ sin φ ऐसे, और फिर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया। अब ये क्या है, ये तो है cos θ + φ, और
ये क्या हुआ था, टू हुआ था। तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि प्रूव हो चुका है, टू टाइम्स कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाई। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया है। सो दिस इज हैंस प्रूव्ड गाइस। तो इंटरेस्टिंग, तो मजा आया। इफ थ्री टैन थीटा टैन फाई इज इक्वल टू वन देन प्रूव दिस थिंग। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर, एंड दैट विल बी लास्ट फॉर टुडे। ठीक है बच्चों, ब्रह्मास सीरीज री स्टार्ट किया, कई बच्चे बोल रहे थे, बट इफेक्ट वही है आप लोगों का। करिए कोशिश तो करिए गाइस। इफ ए बी सी आर एंगल्स, आर एंगल्स देन, देखिए ये मेरा कमिटमेंट है कि आपको मैं बेस्ट ही दूंगा। कोई भी लेक्चर देख लीजिए जाके, आप पैसे खर्च करके भी आप उसके बराबर पा सकते, पर उससे बेस्ट नहीं पा सकते, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। सो इफ ए बी सी आर एंगल्स देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इफ टेन ए प्लस टेन बी इज टू देन टेल मी व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी एंड हियर वी हैव कॉस सी। वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू कैच द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। होता है शुरुआत में होता है। सो सी को हम लोग भाई टारगेट कर रहे हैं, तो सी इज लाइक पाई माइनस ए प्लस बी, और क्योंकि हमारे पास नीचे कॉस है तो हम इसको लिख रहे हैं कॉस सी, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। वेरी नाइस। सो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी हमने यहाँ पर लिखा दोस्तों। एंड देन अब हम लिखते हैं इसको, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। कॉस ए कॉस बी, अब कॉस ए प्लस बी क्या होता है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और बाहर एक माइनस है तो मैं पहले इसको बढ़िया बना लेता हूँ कि साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ऐसा माइनस की वजह से मैंने ऐसे किया है। और मुझ मेरे पास जो है, मेरे पास जो है वो टेन ए इंटू टेन बी है दोस्तों, टेन ए इंटू टेन बी दिया गया है, टेन ए इंटू टेन बी टू दिया है। अब मैं ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा वन, और यहाँ पे टेन ए टेन बी बन गया देखिए, और यहाँ पे भी वन बिकॉज आई हैव डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। अब इसके टेन ए टेन बी की वैल्यू मेरे पास है टू, तो वन अपॉन टू माइनस वन आई एम गेटिंग वन। सो दैट इज योर आंसर। कम एट सी 184 एंड लेट्स हैव रॉक गाइज, लेट्स रॉक दिस आई आई डी जेई पेपर। ठीक है, जरूर हमें मौका दें आपको पढ़ाने का बच्चों, जिससे कि आप बढ़िया कर पाए बच्चों जीवन में। ठीक है, मेहनत करें लेकिन, ठीक है, अगर आप में है वो दम तो हम हैं आपके साथ। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।